नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल अपडेट्स विद कुंदन में। दोस्तों, अभी NISCL का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का एंड हुआ है और मैं आपको अपना रिव्यू देता हूं। फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो कैसा गया है मेरा एग्ज़ाम और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, और मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं मैं वो भी शेयर करूंगा फ्रेंड्स। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश से, तो इंग्लिश की बात करें सबसे पहले, तो इंग्लिश में RC से नाउ क्वेश्चन देखने को मिला था यहाँ पे, एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट 4 क्वेश्चन, एरर से देखने को मिले थे 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका बात करें तो यहाँ पर क्लोज टेस्ट से मिला था, क्लोज टेस्ट से यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे, एंड नेक्स्ट आपका वर्ड स्वैपिंग का क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन थे। एंड मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रेज हो गया, इरर हो गया, क्लोज टेस्ट, इतना ही था फ्रेंड्स। इसमें ही कुछ ऊपर नीचे एक दो होंगे, तो इतना ही पेपर था इंग्लिश का आपका। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर फ्रेज रिप्लेसमेंट मुझे 4 में से 2 समझ में आया, 2 समझ में नहीं आया, एंड 1 या 2 RC में भी छूटे हैं। तो टोटल मेरे इंग्लिश में अटैम्प्ट की बात करें तो इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट टोटल 26 हैं, एंड ईजी टू मॉडरेट इसको कह सकते हैं, या ईजियर साइड ही ज़्यादा रहेगा, ये ईजियर साइड ही ये पेपर ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट बात करें अपन रीजनिंग की, तो रीजनिंग का पेपर फ्रेंड्स यहाँ पर मॉडरेट लेवल का देखने को मिला, इजी टू मॉडरेट इसको आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ लोगों का अटेम्प्ट कमा है, कुछ लोगों का अटेम्प्ट ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पजल जो है आपका टोटल पूछा गया था 4। अब 4 पजल क्या क्या आए थे मैं बता देता हूँ आपको। पहला पजल जो था आपका 6 फ्लोर थे एंड 6 पर्सन थे और 6 लोग अलग अलग मूवीज़ देखने जाते हैं, अलग अलग मूवीज़ देखने जाते हैं। एंड नेक्स्ट था 8 फ्लोर या 8 बॉक्स कह सकते हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ, कुछ भी सर्टेन नहीं था, इसमें कोई लिंक नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये लेंदी लग रहा था, लेकिन ठीक था, ये बन गया था मेरे से तो इजीली हो गया था। नेक्स्ट बात करें 12 पीपल थे, 6 अपवर्ड 6 डाउनवर्ड थे, 6 नॉर्थ 6 साउथ फेसिंग वाले थे 12 पीपल्स थे। नेक्स्ट था 8 पीपल सर्कुलर का, इसमें 4 इन 4 आउट थे, 4 इन 4 आउट। तो ये टोटल पजल की बात हो गई। नेक्स्ट चलते हैं अपन, 3 था आपका ब्लड रिलेशन, ये थोड़ा सा मेरे को मॉडरेट लेवल का लगा, एंड 3 क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का, ये इजी था, बिल्कुल इजी था। 3 क्वेश्चन आपका ऑर्डर रैंकिंग का, ये भी इजी था। सिलॉक्स की बात करें तो यहाँ पे सिलॉक्स भी देखने को मिला था 4 से 5 क्वेश्चन, एंड बाकी मिसलेनियस था, लेफ्ट मिसलेनियस जो आपका होता है, जो आपका लेफ्ट टू राइट करने का रहता है, वो सब क्वेश्चंस थे कॉन्सोनेंट वॉवेल वाले। नेक्स्ट आपका बात करें मैं क्वांट की, तो क्वांट यहाँ पर अगेन मॉडरेट लेवल का देखने को मिला था, जैसा आपको PO में देखने को मिलता है वैसा ही लेवल था क्वांट का। तो क्वांट में यहाँ पर 2 DI आई थी, एक में 6 क्वेश्चन थे, एक में 5 क्वेश्चन थे, जिसमें 6 क्वेश्चन था उसमें टोटल पीपल दिया हुआ था, टेबुलर DI था एक, इसमें नंबर ऑफ सब्सक्राइबर दिया हुआ था, अर्बन सब्सक्राइबर एंड रूरल सब्सक्राइबर, तो इस टाइप से ये बांटा हुआ था टेबुलर DI। इसमें 5 क्वेश्चन जिस DI में था वो लाइन ग्राफ था, लाइन ग्राफ था ये, और टोटल 4 मंथ्स दिए हुए थे। तो दोनों DI ठीक था, मॉडरेट लेवल का था, इजी नहीं कर सकते, मॉडरेट लेवल का कर सकते हैं इसको, क्योंकि मेरे को अर्बन टोटल वाले में थोड़ा टाइम लग गया। हाँ, इसमें थोड़ा ठीक था, जो लाइन ग्राफ था वो थोड़ा ठीक था, लेकिन अर्बन वाले और रूरल वाले में थोड़ा सा टाइम टेकिंग था वो। नेक्स्ट बात करें अपन क्वाड्रेटिक आया था इसमें, क्वाड्रेटिक 5 क्वेश्चन, मिसिंग सीरीज आया था 6 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन था ये, ईजी कर सकते हैं इसको। इसको भी ईजी बोल सकते हैं अपन, और बाकी अर्थमेटिक था 10 क्वेश्चन, एंड एक क्वेश्चन फ्रेंड 5 नंबर का कैलकुलेट था। तो टोटल मैंने रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट हैं 27,
क्वांट में अटेम्प्ट है मेरे ओनली 20। क्वांट में थोड़े अटेम्प्ट कम रह गए मेरे, क्योंकि मैं थोड़ा अटक गया था एक डीआई में, नंबर ऑफ रूरल अर्बन वाले में। तो चलिए ठीक है, ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट 23 हुए हैं, ज़्यादा कोई खास अटेम्प्ट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोग बताना आपका कितना अटेम्प्ट हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट वाले बताना जरूर कि आपका पेपर कैसा आया था, कमेंट में जरूर बताना, और कितना आपने अटेम्प्ट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। आई होप पिछले साल से कट ऑफ कम ही जाएगा, सो डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन नहीं अगर आपका भी इतना ही अटेम्प्ट है तो।